तो जैसा कि मेरे आप इसमें देखे होंगे कि आज मैं ब्लड डोनेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि क्या मिथ्स है, क्या मिसकंसेप्शंस है ब्लड डोनेशन के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली हम ब्लड डोनेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन हम करते क्यों हैं, या कोई किसी भी रिलेटिव्स को, फ्रेंड को या किसी जानने वाले को हम क्यों बोलते हैं कि भाई तुम ब्लड डोनेशन करो, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो जानना चाहते हैं। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वॉलंटरी प्रोसेस होता है। वॉलंटरी मतलब होता है कि ऐच्छिक होता है, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा इन चीज़ों को कि ज़बरदस्ती आपको ब्लड डोनेशन करना है। लेकिन ये एक अच्छा कारण है कि आप किसी की लाइफ बचा सकते हैं, किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं। तो वॉलंटरीली आपको और हमको, अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई सीवियर डिजीज नहीं है, तो हमको डोनेट करना चाहिए। तो इसे कौन डोनेट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन डोनेट कर सकता है। 16 साल से, मतलब जो भी जवान आदमी है, औरत या मर्द हो वो हो, और 65 साल से कम के एज के सारे आदमी डोनेट कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में 70 साल तक लेते हैं, लेकिन वो अलग है। नॉर्मली मतलब जो 16 से 18 साल से लेकर के 60 से 65 साल तक के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या होता है कि क्यों, मतलब उस टाइम पे क्या करना चाहिए। जैसे हम ब्लड डोनेशन के लिए कहीं जाते हैं, तो ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि भाई आप नाश्ता किए हैं या नहीं किए हैं, हमारा वेट किया जाता है। फिर हमसे पूछा जाता है किसी का टेंशन तो नहीं है, कोई अगर ज़बरदस्ती तो नहीं आपको ब्लड डोनेट करवा रहा है, आप वॉलेंट्रीली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा वेट किया जाता है, तो हमारा वेट 50 से ज़्यादा होना चाहिए। 50 से ज़्यादा अगर हैं, उस एज ग्रुप स्पेसिफिक के हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं हो, जैसे जो ब्लड से कॉन्टामिनेट करता है, जैसे HIV हो, HBsAg हो, ये सारी बीमारी रहे, तो फिर आपको ब्लड डोनेशन के लिए मना किया जाता है। फिर सुबह में नाश्ता के लिए पूछा जाएगा, नाश्ता क्यों नहीं किया। तो क्या होता है कि आपको मतलब वीकनेस थोड़ी सी रहेगी, तो नाश्ता नहीं करें। ऐसा नहीं कि ब्लड डोनेशन आप नहीं कर सकते हैं, खाना या नाश्ता नहीं किए हैं तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है कि मतलब हैवीनेस रहेगा, वोमिटिंग हो सकता है, नौजिया हो सकता है, सर में चक्कर आ सकता है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उन चीज़ों से बचने के लिए हमको बताया जाता है कि हमको मतलब नाश्ता करके आना है। अब क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या क्या करना चाहिए हमको जो है सो कि ब्लड डोनेशन के लिए। सबसे पहले तो नाश्ते की बात हो गई कि नाश्ता करके आएंगे तो आपको ब्लड डोनेशन के लिए करेगा। फिर कहेगा कि भाई आप जैसे एक कल्चर में है कि आप जहाँ भी ब्लड डोनेट करेंगे वहाँ या तो आपको फ्रूटी दिया जाएगा, माजा मतलब 100 ml 200 ml का कोई भी फ्लूड का बोतल लिया जाएगा, या कई जगह पे मिठाई खिलाया जाता है, कई जगह पे खुशी से चलो 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 तुमको मिठाई खिलाते हैं यार, चलो मिठाई खिलाते हैं, ब्लड डोनेट किया। तो इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, लेकिन बहुत ये नहीं है उसका। मैं बताऊंगा आगे कि क्या करना चाहिए। जैसे कि 2-3 दिन में कोई एंटीबायोटिक लिया है कि नहीं लिया, एंटीबायोटिक किस कारण से लिया है, फीवर है कि नहीं है, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, कोई सीवियर सिकनेस है कि नहीं है, ब्रेकफास्ट लिए कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ आप मेंटली तौर पे तैयार हैं कि नहीं है, मतलब कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें करनी है। फिर क्या करना है कि जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो इस हाथ में या इस हाथ में यहाँ पे जो मेजर वेन्स रहता है उसमें जो है सो प्रिक किया जाता है निडल, और उसको 350 से 450 ml ब्लड जो है रीजन वाइज ये बदलता जाता है, तो उतना ब्लड उससे निकाल लिया जाता है और फिर वो सेव कर दिया जाता है। उसका बहुत सारा टेस्टिंग होता है कि ये ब्लड दूसरे लोगों में ट्रांसफ्यूज करने के लिए सही है या नहीं। फिर है कि आप जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो आप डोनेशन जो है रिक्लाइन पोजीशन, मतलब ऐसे लेटा हुआ पोजीशन में, आप देखिएगा ऐसे लेटा हुआ कुर्सी ऐसे बनाई जाती है कि उस तरह से लेटा हुआ पोजीशन रहेगा, और उस पोजीशन में आपको ब्लड लिया जाता है। फिर आपको एक बॉल दे दिया जाता है कि आप प्रेशर देते रहेंगे, उससे कि वेनस रिटर्न बढ़ेगा और ब्लड जो है सो इसके थ्रू वो बैग में जमा होता चला जाएगा। है फिर है कि आपको क्या करना है कि जब ब्लड डोनेट कर दिए आप, तो 15 मिनट कम से कम, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट, ये प्रोसीड्योर जो है 10 से 15 मिनट का होता है।
10 से 15 मिनट में आपको सारा चीज ले लेगा। तो उसके बाद जो है आपको 10 से 15 मिनट उस बेड पे लेटे रहना है। और क्या करना है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम जो डोनेट करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। 1 लीटर पानी का बोतल ले लिए और ORS जो है, ओरल हाइड्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो ले लिए, वो मिक्स कर लिए और उस दौरान हम पी जाते हैं कि जो 300-350 ml का ब्लड में, मतलब हमारे खून की नली में वॉल्यूम का लॉस हुआ है, पानी का की कमी हुई है, वो पानी की कमी वो इमिडिएटली कंपनसेट कर देता है। तो वो हम पी करके फिर हम मतलब निकल सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली हमको ये बताते हैं, कहानी बताते हैं कि क्यों ये इंट्यूशन आया कि हमको इस बारे में बात करनी चाहिए कि मिथ्स क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस क्या है, लोगों के बीच क्या भ्रांतियां हैं इसको लेकर के, ब्लड डोनेशन को लेकर के। तो मैं जब भी ब्लड डोनेट करता हूँ अपने घर पे, डोनेट करने के बाद या तो एक पिक भेज देता हूँ या उन लोगों को बता देता हूँ कि आज ब्लड डोनेट किया है, कि लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकलती चली जाए कि ब्लड डोनेट करने से कुछ भी होता है। मैं 2 इंस्टेंस बताता हूँ अपना खुद का, कि कुछ ऐसी इमरजेंसी आई थी हमारे घर में, मैंने खुद ऑपरेट किया उसको और उसके बाद उनका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लॉस था, ऑलमोस्ट मतलब 1.5 से 2 लीटर का ब्लड लॉस था। वहीं पे पेशेंट को छोड़ करके मैं गया ब्लड डोनेशन सेंटर, ब्लड डोनेट किया, अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके लिए मैं ब्लड लेके आया। तो मैं सर्जन भी था उस दिन, मैंने उस दिन ब्लड डोनेट भी किया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप वर्किंग इंसान हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो है ब्लड डोनेशन के बाद मैंने पूरे दिन क्लिनिक पे पेशेंट देखा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा इंस्टेंस है कि एक बार मैं जब पीजी ड्यूरेशन में था तो एक फीमेल थी, वो इंटरनल परफोरेशन लेकर आई थी, उसका हीमोग्लोबिन स्टेटस बहुत कम था और उसके फैमिली मेम्बर छोड़ के चले गए, उनको ऑपरेट किया। तो पर्पस नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, बताने का ये पर्पस है आपको कुछ नहीं होता है, आप जो भी जिस भी वर्किंग कंडीशन में हैं उस वर्किंग कंडीशन में आप आराम से वर्क कर सकते हैं और आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं मिथ्स पे कि इस ब्लड जो डोनेट करते हैं उसके बाद हम बीमार पड़ जाएंगे, बाबा रे बाबा। तो ऐसा नहीं है, आपको मैंने बताया कि मैंने ऑपरेशन करके भी ब्लड दिया है और ब्लड दे के भी इमीडिएटली ऑपरेट किया है, आपको कुछ नहीं होता है। बस वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है कि जो ब्लड वॉल्यूम जो लॉस होता है उस लॉस को आपको कैसे मेंटेन करते हैं, तो ORS और पानी से आप मेंटेन कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। और इस चीज़ को आप फॉलो करके देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर कहा जाता है कि अरे हम तो उम्र दराज आदमी है ना, हम कैसे दे सकते हैं, 40 के बाद के आदमी ये कंप्लेन करते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था कि 16 से 65 साल के आदमी जिनका वेट जो है 50 kg से ज़्यादा है, आप डोनेट कर सकते हैं, या कोई सीवियर इलनेस नहीं हो तब। अब कहता है कि हाँ अरे हम तो दवाई खाते हैं जी, BP का, थायराइड का, हम नहीं दे सकते हैं। तो आप डोनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, BP की दवा खाने वाले डोनेट करते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमको तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, तो हम कैसे देंगे, तो हम तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आप उस कंडीशन में भी सुकून से दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का ब्लड डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप फिर कहेंगे बहुत टाइम लेता है ना जी, उतना टाइम में टेंशन हो जाता है दिमाग में जो है सो बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, तो 8 से 10 मिनट लेता है मेरे भाई, 8 से 10 मिनट में तो आप बात करते करते गुजर जाइएगा। आप सिंपल एक एक फ्रेंड के साथ जाते हैं, किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ जाते हैं, वहाँ आप सुकून से बात करते रहिए, बात करते करते आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा प्रिकिंग सेंसेशन होगा यहाँ पे, या इस साइड में, दाएं बाएं जिस साइड में, मोस्टली बाएं में ही डालता है लोग, तो प्रिकिंग सेंसेशन होगा, तो वो उतना तो चुभता उभता रहता है यार, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बता कि अरे हमको इन्फेक्शन का डर लगता है जी, हमको इन्फेक्शन हो जाएगा ब्लड डोनेशन करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड डोनेशन से इन्फेक्शन नहीं होता है। हाँ, कोई कॉन्टामिनेटेड डिजीज़ है, जैसे आपको ये हेपेटाइटिस बी हुआ या HIV हुआ, वो ब्लड के थ्रू कॉन्टामिनेट करता है, तो जिसको वो ब्लड चढ़ाया जाएगा वो हो, उनको हो सकता है, जिनको हेपेटाइटिस मतलब HIV या हेपेटाइटिस के पेशेंट हों,
वो अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो जिनको वो ब्लड चढ़ाया जाएगा उनको हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ बताना चाहेंगे, ये सारा टेस्ट किया जाता है, जैसे जिस किसी को भी नहीं पता है कि उनको मतलब ये बीमारियाँ हैं जो ब्लड के थ्रू कॉन्टामिनेट करती हैं, ब्लड के थ्रू फैलती हैं, तो उनका ब्लड का टेस्टिंग होता है। ले तो लिया जाता है इस इमरजेंसी कंडीशन में, लेकिन पहले ब्लड की टेस्टिंग होती है उसकी, उसके बाद ही किसी में वो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो अगर आपके अंदर में कुछ ऐसी डिजीज़ पकड़ाती है तो आप जब भी ब्लड डोनेशन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपका नंबर लिया जाता है, आपको नंबर पे इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आप फिर से आएंगे, ये टेस्ट कराएंगे, ये टेस्ट कराएंगे, आपको ये बीमारी का शक लगता है। तो इसलिए आप परेशान नहीं हो कि ब्लड डोनेशन से इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर कहे तो बाप रे बड़ी दर्द करेगा जी, ऐसा नहीं मेरे भाई, बस एक प्रिकिंग सेंसेशन, सुई लगने का जो दर्द होता है उतना ही दर्द होता है, उतना दर्द तो हर कोई बर्दाश्त करता है, तो आप भी बर्दाश्त कर सकते हैं उतने दर्द को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है उससे। उसके बाद हुआ कि पिछले साल तो देवे किए थे, अभी 21 साल हुआ है देने के लिए, 1 साल हुआ है, आप सुकून से दे सकते हैं, 2 से 3 महीने के इंटरवल पे आप दे सकते हैं। बहुत ऐसा इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपको ही ब्लड देना है, आपके फैमिली मेंबर में नहीं है कोई, या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ब्लड डोनेट कर सकते, तो आप 1 साथ 2 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फिर तो 2 से 3 महीने में ये चीज़ें रिपीट हो सकती है। फिर बोलता है कोई बहुत स्मार्ट आदमी, बोलेगा यार हम तो टैटू बनाए हुए, कैसे देंगे, इसमें टैटू का वो इन्फेक्शन होगा, उसको फैल जाएगा। तो जो टैटू बनाए हुए हैं वो लोग भी दे सकते हैं। बीपी के पेशेंट इजीली डोनेट कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है वो भी डोनेट कर सकते हैं। फिर बोलता है अरे हम तो वेजिटेरियन हैं ना जी, हमको कमजोरी हो जाएगा। तो वेजिटेरियन हैं आप भी, नॉर्मल इंसान हैं, जो नॉन वेज खाते हैं वो भी नॉर्मल इंसान हैं। अपनी अपनी प्रैक्टिस है कि कौन वेज खाते हैं, कौन नॉन वेज खाते हैं, कौन दोनों खाते हैं, तो कौन दोनों नहीं खाते हैं, मतलब फ्रूटेरियन भी आजकल कल्चर में आया हुआ। तो आप हर कोई डोनेट कर सकते हैं, आप अगर जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, जो भी ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। आपके फीडिंग हैबिट से कोई लेना देना नहीं है ब्लड के डोनेशन को। फिर बोलेगा कि हमको बहुत वीकनेस हो रहा है, ठीक है, वीकनेस हो रहा है तो वीकनेस का कारण जानने की जरूरत है कि क्यों हो रहा है। अगर ये है कि डर से हमको वीकनेस हो रहा है तो आप डोनेट कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है, आप खुशी खुशी किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए चीज़ कर सकते हैं। अब बाप रे बाप कितना खून लेगा जी, पहले हम लोग जैसे ब्लड डोनेशन के लिए बोलते हैं कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, आप लोग में से कोई फैमिली मेम्बर जो है सो ब्लड डोनेट करें तो पहले ही इंसान को बोलता है सर कितना खून लगेगा बता दीजिए ना। तो आपके लिए जानकारी के लिए है कि 350 से 450 ml हमारे इस रीजन में, दरभंगा के रीजन में, बिहार के रीजन में 350 ml का पैक होता है। जिस रीजन में बड़े लोग रहते हैं, लंबे लंबे, थोड़ा बिल्ट उनका ज़्यादा रहता है, उस रीजन में 450 ml का पैक बनाया जाता है। फिर है कि सर कल तो हमारा छुट्टी नहीं है, आज देंगे तो हम कैसे कल काम पे जाएंगे, तो डे ऑफ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया, आपको मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैंने ब्लड डोनेट किया पेशेंट के लिए और खुद मैं उसी टाइम जाकर के आई वॉज ऑपरेटिंग सर्जन, मैंने खुद ऑपरेट किया पेशेंट को। तो आप एक दिन बाद कहाँ से ये ले सकते हैं। बहुत बार ब्लड डोनेट करके आते थे, मेडिकल कॉलेज में जब थे तो ब्लड डोनेट करके आते थे, रास्ते में मेरा क्रिकेट का ग्राउंड हुआ करता था, आराम से ब्लड डोनेट करके आया, क्रिकेट खेलते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर है कि महिला है ना जी, महिला कैसे डोनेट करेगी, कमज़ोर होती है, उसका देह में खून नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, एक स्पेसिफिक है, आप जाएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, अगर उस क्राइटेरिया में आप फुलफिल करते हैं तो आप बहुत ईजिली डोनेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर है कि सर हम अपना खून बचा के रखते हैं ना, हमारे फैमिली वाले आदमी हैं ना, उनको ज़रूरत पड़ेगा तो देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अगर किसी के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए भी लोग हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को सुने, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा, और ये चीज़ें शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मेडिकल से रिलेटेड आपको देते रहेंगे।